हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का खूबसूरत लेक्चर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें दो टॉपिक और समझना होगा, ऑस्मोसिस और एंड डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंट समझ जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। इसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई परफ्यूम का बोतल है, तो उसके सील को जब हम ओपन करते हैं तो उसके स्मेल का फीलिंग हमें होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोतल के अंदर जो परफ्यूम मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर रहते हैं और बोतल के बाहर जो एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो जो ही हम सील को ओपन करते हैं, हमारा जो परफ्यूम मॉलिक्यूल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मूवमेंट करने लगता है, जिसका फीलिंग हमें होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन का डिफिनेशन क्या है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू फुलफिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि परफ्यूम का एयर में डिफ्यूजन। हम सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम किसी कलर को वाटर के टच में ले जाएंगे तो वो कलर जो है पूरे वाटर में उसका डिफ्यूजन हो जाएगा। तो कलर का वाटर में डिफ्यूजन। हम जो है और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई सिगरेट का स्मोकिंग करता है, तो जो स्मोक होता है इन द माउथ उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो मुंह ओपन करता है तो जो एयर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है लो होने की वजह से जो स्मोक है एयर में डिफ्यूजन उसका हो जाता है। तो इस तरीका से सिगरेट स्मोक का एयर में डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर है कि यह जो है मोलिकुल का मूवमेंट है। और मूवमेंट वो कैसे होगा? तो फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को ही हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे परफ्यूम इन द बोतल उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और आउट द बोतल हमारा एयर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। जब हम लोग सील को ओपन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो परफ्यूम का मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट करने लगता है, जिसका फीलिंग हमें
होता है। अब जो है इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम कोई बैलून को मुंह से उसके अंदर एयर को डाले तो CO2 गैस अंदर जाएगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि ये जो है बड़ा सा बैलून हो गया, और इसके अंदर हमने CO2 गैस भर रखा है, इसको हमने माउथ को हमने क्लोज कर दिया है। जो बैलून का अंदर जो गैस है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और जो बलून के जो बाहर में एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो क्या होगा, बाहर के एयर अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल गैस का मूवमेंट करेगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करेगा। तो यहां पर जो है यहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहां कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ये CO2 जो है ये बाहर की ओर मूवमेंट करेगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन है, और ये डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक कि इसका स्टेट का चेंज होना क्लोज ना हो जाएगा। इसका लगातार स्टेट चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जबकि इसका स्टेट का चेंज होना स्टॉप हो जाएगा, और उस समय हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो यहां पर जो है डिफ्यूजन कब तक होगा, तो टू अटेंड इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि ओस्मोसिस क्या है। तो सबसे पहले जो है ओस्मोसिस को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं या ट्यूब लेते हैं जिसका शेप यू होता है, यू शेप का ट्यूब ले लेते हैं। इसको टू पार्ट में SPM के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो है SPM है, सपोज इसको हम ऐसे बना देते हैं, SPM जो है एक मेम्ब्रेन होता है जो अपने से होकर के किसी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को पास होने देगा बट सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। इसको हम लोग अलग से समझ लेंगे, और इसके इस साइड में डाइल्यूट सॉल्यूशन को ले लेंगे, और दूसरे साइड में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ले लेंगे। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, इधर जो है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। यहां पर पिस्टन फिट कर देंगे, यहां पर भी पिस्टन फिट कर देंगे, आफ्टर सम टाइम्स हम क्या देखेंगे कि ये जो पिस्टन है नीचे की ओर जा रहा है और ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो होने लगता है। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का
ओनली सॉल्वेंट, नो सोल्यूट। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। इसको हम लोग ओस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ओस्मोसिस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसमें ओस्मोसिस में क्या हो रहा है? तो ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है थ्रू SPM कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओस्मोसिस। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं कि ओस्मोसिस इज द सबसे पहले हमें लिखते हैं कि ओस्मोसिस के बारे में सबसे पहले बताया कौन था, तो फ्रेंच फिजिशियन एबे नोलेट। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम थ्रू SPM। इसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, शॉर्ट में इसको SPM कहा जाता है। फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। डिफिनेशन को एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि ऑस्मोसिस जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहां पर जो है जो ये फ्लो होने का जो प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस हो रहा है, और इसमें कौन फ्लो करता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखिए ये जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है फ्लो कर रहा है, किससे फ्लो करता है तो थ्रू SPM। देखिए यहां पर SPM के थ्रू फ्लो कर रहा है, और कैसे फ्लो करता है तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा ये फिगर अगर समझ में आ गया तो आपको इसका डिफिनेशन समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है। तो यहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है, वो स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, वो भी स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, और किसका फ्लो हो रहा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। और ये फ्लो कब तक होते रहेगा
जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश न हो जाए। इसका मतलब क्या है कि जब इसका ओनली सॉल्वेंट इसमें जाएगा, ओनली सॉल्वेंट नो सॉल्वेंट, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा और इधर सॉल्वेंट जाने के वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा और पार्टिकुलर टाइम पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, उस समय ये ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस तब होता है जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन टच में रहते हैं थ्रू एसपीएम। तो यहां पर तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम हो जाएगा तो ये ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाएगा। तो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस कब तक होते रहता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम अपडेट ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन, ये हो गया ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। हम लोग डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले देखें कि एसपीएम क्या है जो इसमें यूज हो रहा है। तो एसपीएम का फुल नाम है, नेम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट में हम लोग एसपीएम कहते हैं। एसपीएम जो होता है ये टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एसपीएम होता है और एक आर्टिफिशियल एसपीएम होता है। एसपीएम जो नेचुरल होता है वो एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल ब्लैडर, इसमें और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सेलोफेन। जो आर्टिफिशियल जो एसपीएम होता है ये कॉपर फेरोसाइनाइड का मेम्ब्रेन हो सकता है, CO2 एफिशियन 6 मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड, और भी हो सकता है कैल्शियम फॉस्फेट का मेम्ब्रेन हो सकता है। चाहे वो नेचुरल एसपीएम हो चाहे आर्टिफिशियल एसपीएम हो, ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है कि अगर इसके थ्रू अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर हम टच में रखते हैं तो ये मेम्ब्रेन अपने से होकर के डाइल्यूट सॉल्यूशन के ओनली सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा। तो ये है हमारा एसपीएम। अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंट क्या है। देखिए फर्स्ट डिफरेंट ये है कि जो डिफ्यूजन होता है एक गैसियस प्रोसेस भी है और सॉल्यूशन प्रोसेस भी। सपोज हमने परफ्यूम का एग्जांपल लिया, तो परफ्यूम में क्या होता है जब हम लोग बोतल के सील को ओपन करते हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल परफ्यूम का होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगता है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन। अगर हम किसी कलर को वाटर के टच में ले जाते हैं तो कलर का डिफ्यूजन वाटर में हो जाता है। तो हमारा जो डिफ्यूजन है
वो गैसियस प्रोसेस में भी होगा और लिक्विड प्रोसेस या सोल्यूशन प्रोसेस में भी होगा। तो ये जो पहला डिफरेंट इसमें है कि डिफ्यूजन जो है वो गैसियस और सोल्यूशन दोनों प्रोसेस है। एंड सोल्यूशन प्रोसेस, बट हमारा जो ऑस्मोसिस है ओनली सोल्यूशन प्रोसेस में होता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में, डिफ्यूजन के प्रोसेस में किसी एसपीएम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, नो एसपीएम प्रेजेंट। बट जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसमें एसपीएम मस्ट है, बिना एसपीएम के आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। तो इसमें जो है एसपीएम मस्ट है। थर्ड हम क्या देखते हैं इसमें कि इसमें सोलूट या सॉल्वेंट किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। यहां उल्टा है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहां हम लिखते हैं कि सोलूट और सॉल्वेंट बोथ सोलूट और सॉल्वेंट बोथ मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। Higher to lower concentration area, but इसमें क्या होता है कि only solvent flow from lower to higher concentration solution. Higher concentration solution. इसका आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई या पीसी इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन है द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। समझिए ये क्या चीज है। सपोज जैसे हम यू शेप के हम ट्यूब लिए हुए हैं, यहां पर जो है हमारा एक ट्यूब है जिसका शेप हमारा U है, और ये टू पार्ट में डिवाइड है बाय ऑस्मोसिस बाय SPM। इसमें ऑस्मोसिस होगा थ्रू SPM,
ये मान लीजिए कि हमारा जो है SPM से टू पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ हमारा जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक साइड जो है हमारा कौन सॉल्यूशन है, ये हमारा कौन सॉल्यूशन हो गया, इधर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, पिस्टन लगा हुआ है, इधर भी पिस्टन लगा हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारा टू सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन SPM के थ्रू अगर टच में हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो होगा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे ऑस्मोसिस में, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहां पर भी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पिस्टन है ये नीचे की ओर जाना स्टार्ट होगा और ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोग SPM के थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तो ये हमारा ऑस्मोसिस का रूल है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ओनली सॉल्वेंट, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। और इसमें जो है जो प्रोसेस से होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। बट अगर हम इस पिस्टन पर प्रेशर लगा दें, ये जो पिस्टन है यहां पर हम अगर प्रेशर लगा दें और हम इतना प्रेशर लगाएं कि पिस्टन जो है ऊपर जा रहा था वो स्टॉप हो जाए, ऊपर जाना स्टॉप हो जाए, तो ये अगर ऊपर जाना स्टॉप हो जाएगा तो ये फिर नीचे जाना स्टॉप हो जाएगा। और ये ऊपर जाना स्टॉप हो जाएगा तो मतलब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू SPM जो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो हो रहा था ये भी स्टॉप हो जाएगा, जो इधर से इधर जा रहा था स्टॉप हो जाएगा, ये भी हमारा स्टॉप हो गया। और जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू SPM डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में फ्लो होना स्टॉप हो गया, तो मतलब आपका एक तरह के ऑस्मोसिस जो है ये स्टॉप हो गया। तो इस ऑस्मोसिस को स्टॉप किसने किया? ये प्रेशर। तो जो प्रेशर ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर दे उस प्रेशर को ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ये जो है हमारा एक्सेस प्रेशर है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा था उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को इसने स्टॉप कर दिया। तो इस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब एक बार डिफिनेशन पर नजर डालते हैं। कह रहा है कि एक्सेस प्रेशर, ये जो एक्सेस प्रेशर है अप्लाई टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हम लोग किधर अप्लाई कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अप्लाई कर रहे हैं। द प्रिवेंट ऑस्मोसिस, उसके अप्लाई होने से क्या हो रहा है कि जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसका प्रिवेंट हो जा रहा है, मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा था वो स्टॉप हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो सॉल्यूशन है
इस सॉल्यूशन का हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब जो है एक और हम टॉपिक इसके साथ दिए हुए हैं वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, इससे इसको समझने में आसानी हो जाएगी। सपोज हम यही फिगर फिर अगेन लेते हैं, हमारा जो है ये यू शेप का ट्यूब है, और टू पार्ट में डिवाइड है, थ्रू एसपीएम, एक तरफ इसमें भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तरफ जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इधर भी पिस्टन लगा हुआ है और इधर भी पिस्टन लगा हुआ है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा यहां पर ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एसपीएम के थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉन्टेक्ट में आते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो होने लगता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यहां पर ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा और ये पिस्टन नीचे की ओर जाने लगेगा और ये पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगा। जब हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, अगर हमारा ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल इस पर लगाया जाए तो पिस्टन यहां स्टॉप हो जाएगा, ये पिस्टन नीचे जा रहा था स्टॉप हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा था स्टॉप हो जाएगा, ये नीचे जा रहा था स्टॉप हो जाएगा, और जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये भी जो है स्टॉप हो जाएगा। बट अगर हम यहां पर ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वल हम प्रेशर लगाए तो, बट अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दें, यहां पर जो है हमारा प्रेशर जो है प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ग्रेटर देन प्रेशर अगर अप्लाई कर दिया जाए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर, तो फिर ये जो ऑस्मोसिस यहां स्टॉप हो गया था अब ये उल्टा ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डाइल्यूट सॉल्यूशन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इसका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पिस्टन ये नीचे की ओर जाने लगेगा और ये पिस्टन ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो हम लोग तो ऑस्मोसिस में ये जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो करता है, बट यहां तो अपोजिट हो गया कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके थ्रू हम लोग डिजिलिनेशन ऑफ सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग कर सकते हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम लोग सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए।